थाने की कार्यप्रणाली सुधारने, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, अपराध नियंत्रण, कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने हेतु समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक बुधवार को जिले के चिन्हित थानों पर रोस्टर के अनुसार सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रवास कर पुलिस चौपाल के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण किया जाता है, जिसके तहत SSP डॉ. विपिन ताड़ा ने बुधवार को चिलवाताल थाने पर मौजूद रहकर चौकीदारों व पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया तथा थाना क्षेत्र का भ्रमण कर जनता से मुलाकात कर थाने की कार्यप्रणाली को और भी बेहतर बनाने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान दहेज उत्पीड़न, हत्या तथा भूमि विवाद से संबंधित वादी से वार्ता हुई। उसके संबंध में विवेचक द्वारा वादी को अवगत कराया गया तथा साथ ही विवेचक को विवेचना संबंधियों कमियों को दूर करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस चौपाल में हत्या के प्रकरण में वादी को अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में अवगत कराया गया तथा फरार अभियुक्तों के संबंध में 82 CRPC की कार्रवाई अमल में लाई गई है तथा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। शीघ्र ही फरार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। एक अन्य प्रकरण जिसमें अनावरण शेष है के संबंध में वादी से वार्ता कर प्रकरण के संबंध में गहनता से पुनः जांच के संबंध में निर्देशित करते हुए अवगत कराया गया। चौपाल में थाना चिलवाताल पर कुल 10 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया व 8 प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। साथ ही SSP ने थाने के CCTNS कार्यालय, थाने का रजिस्टर, थाना परिसर, महिला हेल्प डेस्क, मेस इत्यादि का निरीक्षण किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, तो जब बरकत भाई आओ, आप जाओ, जब ये आप सुमंत्र आप जाओ, कहाँ कहाँ से इकट्ठा करवाए सही। एक ये 2-3 गांव है यार, आप एक मुसी ना होली को चुका इतने मरा कब से कब्जा कर रखा है इन्होंने। ये हैं सारे, ये भाई हैं आपके, ये तो आप SDM साहब के कोर्ट से करवाइए ना, बंटवारा हो गया आपका लिखा पड़ी में, ये तो एक ही चेक में सबके नाम है ना, तो इसमें आप अलग अलग करो। SDM साहब के कोर्ट में मुकदमा करके पुलिस कैसे करेगी इसमें, कौन से भाई का क्या जगह है, ये हम कैसे तय करेंगे। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, तो कोर्ट से होगा ना, आपको हिस्सा तो कोर्ट से मिलेगा। देवीपुर से आप बढ़नी बढ़नी से आप ये क्या है, सारे कैसे अपराधी हैं यहाँ पे, क्या कारण है। एक तो सर बाढ़ ग्रस्त होते हैं वहाँ, पहले अब तो सड़कें बन गई सर, पहले वहाँ सड़कें मतलब आवागमन बाधित रहता है, तो पुलिस की आमतौर पर कम रहती है, तो वहाँ पे फरेंदा महाराजगंज। तो यहाँ क्यों आए हो आप, यहाँ लड़के यहाँ ना रखेंगे, लड़का यहाँ का रहने वाला है चिल्लाताल का, तो क्या चाह रहे हो आप, मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे हो। जैसे आपको मालूम हो, तो मुकदमा आप फरेंदा में करवाओ ना, आप यहाँ कहाँ घूमोगे, आपके लिए तो दूर पड़ेगा, मैं तो करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुकदमा दर्ज करवाने में, पर आप हाँ
ये घर के सामने है। और भी लोगों के इन्होंने जमीन पर कब्जा किया है कभी? इन लोग हमारे घर के जो सामने, इन लोगों की नाम की कोई जमीन नहीं है। एक और मुकदमा लिखवा दिया इसके ऊपर, तीनों खराब चल रहे हैं तो पराली का, ठीक है? गांव का है, ठीक है। चौपाल लगाया गया, कुछ मामले आए हैं खास करके किस तरह के? जी, आज पूरे जनपद में राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विभिन्न थानों में पुलिस चौपाल लगाई गई है, जहां पर की जन सुनवाई हो रही है, जनता के प्रतिनिधियों से मुलाकात हो रही है, पत्रकारों से मुलाकात हो रही है, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी की जा रही है। साथ ही जो जन सुनवाई के दौरान लोग आ रहे हैं उनकी शिकायतों का निस्तारण भी करवाया जा रहा है। इसी क्रम में मेरे द्वारा आज थाना चिल्वा ताल पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि पुलिस चौपाल के दौरान कई प्रकार की शिकायतें आई हैं। कुछ दहेज संबंधित मामले थे जो आए थे, कुछ भूमि संबंधित मामले हैं, एक हत्या का मुकदमा भी है जिसमें कि वादी पक्ष से मुलाकात हुई, जानकारी की गई है। एक हत्या के मुकदमे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बारे में वादी पक्ष को जानकारी दी गई है। तो इसमें कार्यवाही की जा रही है। प्रयास यह है कि जो कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है उसके बारे में वादी पक्ष को बताया जाए और उनको अभी उनको इससे जानकारी दी जाए कार्यवाही के बारे में, और साथ ही वादी पक्ष क्यों संतुष्ट नहीं है, कहां पुलिस की कार्यवाही में कमी है उसको भी दुरुस्त किया जाए, और मौके पर जो पुलिसकर्मी हैं उनको मौके पर ही निर्देशित किया जाए आवश्यक कार्यवाही के लिए। सर, जो दो लंबित मामले आए हैं, पुराने मामले हैं सर, उसके लिए क्या निर्देश दिए हैं अपने? जी, एक हत्या के प्रकरण में कुछ अभियुक्त जेल जा चुके हैं, कुछ फरार हैं, तो जो फरार हैं उनके खिलाफ CRPC धारा 82 के तहत कार्रवाई करके कुर्की का आदेश करवाया गया है पुलिस के द्वारा, और मफरूरी में एक मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है पुलिस के द्वारा। तो उसमें कार्रवाई प्रगति पर है और शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर चार्जशीट लगाई जाएगी। जो दूसरा प्रकरण है उसमें अनावरण शेष है घटना का अभी, इस संबंध में जो परिजन आए थे उनसे काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है, पुनः पूरे प्रकरण को शुरू से देखा जाएगा, किन पहलुओं पर जांच होनी बाकी है या किन पहलुओं पर जांच नहीं हो पाई और किन पर जांच हो गई है उन पर पुनः जांच की जाएगी। तो सारे प्रकरण को पुनः देखकर इसमें सुनिश्चित किया जाएगा, प्रयास रहेगा कि घटना का अनावरण हो और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो। धन्यवाद।